सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ हमारे टेरेस गार्डन का ओवरव्यू। साथ में करेंगे हम कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग और आपको बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप अपने घर की छत पर आसानी से अपने लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने अपने घर की छत पर इस साइड में क्यारी में सब्जियां ग्रो की है, जैसे कि ये बैंगन के पौधे हमने ग्रो किए हैं और इसमें काफ़ी अच्छे से शूटिंग होने लगी है। ये हमने लगाया है भरता बैंगन और इसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर बैंगन के पौधे हम लगाते हैं तो उसको डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और साथ में अगर इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर मटर की फलियाँ भी लगा दी है। मटर की फलियाँ हमने इसलिए लगाई हैं कि हमारे जो फ्रूट प्लांट है या फिर इस तरह से जिस चीकू का प्लांट है और बैंगन का प्लांट है, तो इनको नाइट्रोजन की कमी हमारा ये पूरी कर देते हैं। तो इसमें देखिए ढेर सारे बैंगन हमको लगने लगे हैं। अमूमन देखा यह जाता है कि बैंगन का जो प्लांट है ये भरता बैंगन कम ही लगते हैं, लेकिन हमारे घर की छत पर हमने इनको अच्छे से खाद दी हुई है तो ये अच्छी सी मात्रा में बड़े हो रहे हैं। कैमरामैन पकड़ना इसको। तो आज हम यहाँ से अपने लिए ताज़े और फ्रेश बैंगन हार्वेस्ट। बैंगन के बाद दोस्तों, ये हमारी मूली देखिए बड़ी हो गई है। ये मूली लगभग 3 से 4 इंच तो बाहर आ चुकी है। तो दोस्तों, इस मूली को भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छी मूली हो गई है दोस्तों। मूली के लिए आप जो भी मिट्टी बनाएं, ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट मिट्टी हो, ताकि हमारी मूली अच्छे से ग्रो कर सके। तो उसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें। हमारी ये क्यारी है, हमने सब कुछ इसमें डाला हुआ है, इसलिए इसको कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो मूली हमने हार्वेस्ट कर ली है। एक और मूली शायद इस तरफ बड़ी हो रही है, बाकी मूलियाँ छोटी हैं। देखिए, हमारे सलाद के लिए हमें मूलियाँ भी मिल चुकी है। ये हमने गाजर लगाई हुई है, गाजर भी थोड़े दिन बाद बड़ी होती रहेंगी। तो मूली और गाजर आप जब भी लगाएं, डिस्टेंस में लगाएं और थोड़े दिन बाद लगाएं, ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। अब ये मूली बड़ी हो गई है, साथ में हम अब फिर से नई मूली के बीज ग्रो कर देंगे, ताकि हमें लगातार एक के बाद एक मिलती रहे। चलो दूसरी ओर चलते हैं, दूसरे ही फली भी तोड़ेंगे। तो ये सेम फलियाँ हमने लगाई हुई हैं। सेम फली की बेल हमने उस क्यारी में लगा दी थी, 2 सेम फली की बेल लगाए थे। उसमें से ये सेम फली जो कि काफ़ी अच्छे से बड़ी हो रही है बंचेस में। दोस्तों, इसमें इस बात का ध्यान रखना है, सेम फली का ये जो शेप है, इसके बाद में ये जो शेल है, ये शेल कभी कभी क्या होता है, काफ़ी सख्त हो जाता है। हमें सख्त होने का इंतज़ार नहीं करना है, उसके अंदर बीज भी हो जाएंगे तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जब इस तरह से हो कि इसका शेल नरम हो और अंदर बीज बड़े ना हो, उससे पहले हमें इसे तोड़ लेना है। गुच्छा सेम फलियों से भरा हुआ है, इसको हम तोड़ लेते हैं। दोस्तों, ये छोटी वाली जो सेम फली है बहुत ही प्यारी लगती हैं, इसमें काफ़ी बंचेस में खूब सारी आती हैं। इसके लिए हम इसको हर 10 से 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट देते रहते हैं और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। देख सकते हैं बहुत सारी तोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। दोस्तों, कुछ हम लेंगे फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमारे प्याज के पत्ते, जो कि हमारी सब्जी में और भी फ्लेवर बढ़ाने का काम करते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि ये टमाटर का पौधा हमने लगाया था और ये मेन ब्रांच पे टमाटर लगे हुए हैं, और जो साइड ब्रांचेस के टमाटर हैं जिसे सकर ब्रांच कहते हैं, उनके टमाटर हमेशा टमाटर के बच्चों जितने ही बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। इसलिए साइड के जो ब्रांचेस सकर, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि उसको हटा देना चाहिए। मेन ब्रांचेस के जो टमाटर हैं वो बड़े हैं और अभी तक पके नहीं हैं, पकने में टाइम लेते हैं, और साइड ब्रांचेस वाले इस तरह के टमाटर हमें हटा देने चाहिए। लगाई है धनिया, धनिया काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। दोस्तों, इसको हम इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इस तरह से एक तरफ से हम हार्वेस्ट करना शुरू करेंगे और ये एक तरफ से
वापस से अपनी ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगी। तो ये हो गई हमारी धनिया, और ले लेते हैं थोड़े से फ्लावर्स हमारे भगवान जी के लिए। दोस्तों ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है और ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं, और जितना आप तोड़ते जाएंगे उतने नई नई कलियाँ इसमें से निकलती जाएंगी। जैसे ही आप इसको तोड़ के हल्का करेंगे इसमें से नई कलियाँ ये देखिए इस तरह से ग्रो होंगी और ये फिर से बड़ी हो जाएंगे। ये हमने इसको भी तोड़ लिया है, और दूसरे बीच में पालक, और ये हमने लगाई है मोगरे की फली। मोगरे की फली धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इसको हमने कार्डबोर्ड में भी लगाया है, इस कार्डबोर्ड को हमने वाटरप्रूफ कर दिया है। इसके अंदर एक लेयर हमने पन्नी की लगा दी है, ऊपर से भी पन्नी की लेयर लगा करके इसकी ड्रेनेज के लिए हमने एक पाइप डाल दिया है, ताकि अभी बारिश भी काफ़ी तेज हुई थी 4 से 5 दिन, लेकिन हमारे कार्डबोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ बना दिया है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक अब चलने वाला है। इधर हमने मटर ग्रो की है, मटर अभी नई नई इसमें से फूल आ रहे हैं और अभी छोटी है, तो हमें 8 से 10 दिन बाद हमें मटर भी यहाँ से हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। सेम फलियाँ खूब सारी लगी हुई हैं, एक बार में हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम फिर से हम सब्जियाँ बनाएंगे तो ये छोटी वाली फिर से बड़ी हो जाएगी और फिर से हमें हार्वेस्टिंग को मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह का हम जब कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ। आज की हार्वेस्टिंग तो हो गई है अच्छी खासी। जय हिंद, जय भारत।